एक जिप्सी थी, वो यहाँ वो तेज चल रही थी, वो यहाँ रुक गई सड़क पर, तो उन्होंने उसमें से एक सीआरपी वाला नीचे आके उसने टियर गैस शेल लगाया पार्क की साइड, और जो मेरे फादर के सर पर लगा। स्कल क्रैक था, होगा 90% ब्रेन डैमेज बिकॉज ऑफ टियर गैस शेल। मैंने 5 सेकंड पहले उन्हें देखा था कि वो बाहर चल रहे थे रास्ते पे, एंड अचानक से न्यूज मिली कि ऐसे दादू को टेर गैस शेल आया। और तब से लेकर अब तक, अब एटलीस्ट 2 नवंबर से अभी तक तो 20 दिन हो गए होंगे ऑलमोस्ट, उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी है, एंड वी नो कि हम कैसा फील कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब बैठते थे, जो आज तक हमने बिल्कुल वैसे ही रखा है, ना हम चेंज कर सकते हैं इसको। जब मैंने देखा कि बार 90 फुट की पार्क के उस तरफ मेरे फादर साहब बैठ गए, तो मैं अंदर चला गया, मैं ऊपर वाली मंजिल में अपने कमरे में चला गया। अभी मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए थे, तो मैंने कुछ आवाज़ सुनी, धमाके की आवाज़, धप जैसी आवाज़ मैंने सुनी। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं दृष्टि नीचे उतर गया, दरवाज़ा खुलाया, तो मैंने देखा जो पार्क में मेरे हमसाया लड़के थे वो 90 फुट की तरफ भाग रहे थे, तो उन्होंने फादर को इस मारवती में डाल रही थी। आई थिंक फॉर लिविंग इन कश्मीर इज नॉट ईजी, कोई बंदा यहाँ पे सेफ नहीं है। ये नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल हालात थे, कोई पथराव कुछ नहीं था, बंदा बाहर धूप सेक रहा है, एंड समवन अटैक्स हिम। सियासत के साथ ऐसा कुछ हमारा लिंक था नहीं कभी, ना ही हम इस पर कोई पॉइंट आउट करते हैं। ये चीज़ें हर साल होती है, हर साल 2-3 महीने का अनरेस्ट रहता है, ऐसी हालात होती है और फिर ठीक हो जाता है। कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे हालात रहे, फिर बीतती उन्हीं पर है जिनके घर में ऐसा कुछ गुजरता है, उनका भी यही ओपिनियन था।